वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज मेर खाम अब्बासी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है आज ईद का पहला दिन है, खुतबा हो रहा है। सबसे पहले मेरे तमाम व्यूवर्स को ईद मुबारक, और जो जो मुझे कमेंट में ईद मुबारक कह रहा है उसको, जो लिखेगा कमेंट करेगा उसको भी मेरी तरफ से खैर मुबारक। अल्लाह पाक आपकी कुर्बानियाँ कबूल करे। तो अभी हम नमाज़ के लिए जा रहे हैं, मेरे साथ मेरा भाई है, दोनों भाई हैं, मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। ये शानू भाई है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। ईद मुबारक। ये मेरा छोटा भाई है। ओ जी ईद मुबारक। तो अभी चलते हैं नमाज के लिए। नमाज से वापस आके जो जो होगा बैल जबा करेंगे, जो करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चार मिनट रह गए ना, चार मिनट रह गए नमाज होने लगी है। नमाज के बाद नमाज का टाइम हो गया है, सारे भाग रहे हैं। वो देखें, वो एक भाग के चले गए, नज़र नहीं आए। ये भाई आ रहे हैं मेरे, मस्जिद के पास पहुँचे हैं। ये आगे से बैल भी आ रहा है, इसकी भी अभी मुंडी शुंडी उतरेगी, अलग होगी, इसका भी कलेजी शलेजी पकेगी। अच्छा हमको सिखा रिया है। ये अभी मस्जिद के पास पहुँच आए हैं। बड़े भाई कैसी हैं आप? माशाल्लाह। ये मेरे बड़े भाई की लुक है, इधर मुड़ो जी। ये देखे ऊपर से कितना मम्मी डैडी लग रहा है, नीचे से आके वो ड्राइवर वाली जूती ले आया ये जाके। ये देखे नमाज पढ़ते हैं जी, नमाज पढ़ के आपसे मिलते हैं, वेट करिए। ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر सो जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ के आ चुके हैं। अभी ज़रा घर की तरफ जा रहे हैं, नाश्ता भी नहीं किया हुआ, भूख भी बहुत लगी है, नाश्ता भी लेना है। क्यों शाइक भाई नाश्ता करेंगे आप? नहीं आमर कौन है? सो जी ये अभी दोस्त से मिलने जा रहे थे, तो पहला गली एक है उसमें रास्ते में बैल जबा हो रहा है, वो ज़रा आपको दिखाते हैं। गिर गया जी। और बड़ी कोई प्यार मोहब्बत से बैठा जबा हो गया ना, उसने कोई तंग किया। तो अभी हसन भाई ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ये हमारे हसन भाई हैं, आमरी भाई। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आमरी भाई। शायद किधर जा रहा है? नाश्ता लेने जा रहे हैं, नाश्ता लेके आते हैं फिर अपने प्यार चलते हैं। यह हमारे मल्ला है जी, खन्ना पुल रावलपिंडी में। खन्ना पुल रहता हूँ, कदी रोड। कहते पांच पार्सल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता ले आए हैं, पूड़ियाँ। नाश्ता भी करते हैं, नाश्ते के बाद मिलते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मैं नान वगैरह लेके आया हूं, ईद पड़ी है। खालिद अब्बासी साहब सुल्तान के को तो फोन कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, नाश्ता कोई नहीं, आओ नाश्ता करते हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर। सो गाइस ये बाहर अभी पड़ोसियों का बैठा था, वो ज़बह किया है। अभी अपने बैठे की तरफ जा रहे हैं, तो अपने बैठे की तरफ जाते हैं, उसको ज़बह करते हैं, देखते हैं वो ज़्यादा उछलबाजी करेगा, जोर आजमाइन उसको जोर से बदस्ती लिटाना पड़ेगा, या खुशी खुशी लेट जाएगा। चलते हैं। तो जी बैल के पास पहुंचे हैं, बैल जबा हो गया, लेट हो गया, हिस्सा डाला था हमने, इंशाल्लाह अपनी कुर्बानी करेंगे। लेट हो गए हैं, कोई नहीं, चुरी फिर गई है, चुरी फिर गई है बाबा, क्या फायदा? कोई बात नहीं, अल्लाह ताला नितों का बेटा, डोंट वरी, चुरी चुरी की कोई बात नहीं है इंशाल्लाह। यार पहले क्या ईदे होती थी, अभी क्या ऐसी ईदे हैं? ये के पता छोटी ईद आपको, मुझे तो छोटी ईद से ज्यादा ये ईद उल अज़हा अच्छी लगती है, क्योंकि इस पे रौनक ही इसकी कुछ अलग है। जो छोटी होती है उस पर भी होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस पे मतलब इधर उधर शुगल मेला लगा रहता है। तो चलते हैं, मैं ज़रा
आपसे खाल शाल उतर जाएगी गोश्त के पीसों के बाद लगता हूँ। मौसम चेक करें जी, मौसम आए हाय 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 हाय, इतना सुकून, मौसम कितना फिट हो गया जी, ये मौसम चस आ गया जी, मौसम की तो चस आ गई है। वो जी वेड़े की खाल शाल उतारी जा रही है, उसकी उसकी खाल शाल उतार रहे हैं। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आ गया तेरी मौसम की अभी तारीफ की और ऊपर से सूरज आ गया। कैसा लगा मेरा मजाक? ये जी पीस हो गए हैं, चटे छटे अलग हो गए। तो जी एक कसाई इतने सुस्त बंदे थे ना के अभी तो लगे हुए हैं, अभी जा रहा हूँ मैं लोड कराने, ट्राली में कैसे चढ़ रहे हैं जी, लोड कराने जा रहा हूँ, लोड जरूरी है। अबू पता नहीं कितने चले गए, अबू को कॉल करनी है, मेरे पास इसी लोड ही नहीं, अब बिल्कुल ही हो ओपन नहीं सकता, देखो सब बंद है। सो अल्हम्दुलिल्लाह गाइज, अभी घर पहुंच चुके हैं। घर पहुंचने के बाद सीन ऐसा है कि अभी भूख इतनी शिद्दत की लग रही थी और गर्मी, मैंने मौसम की तारीफ की तो गर्मी ऐसे आई है जैसे मौसम ने अपना रुख बदल दिया, धूप सर पे आ गई। फिर ये हुआ कि भूख लगी हुई थी तो वो गोश्त काट रहे थे, मैं घर आया हूँ, मैंने कहा ज़रा गोश्त वोश्त भून रही हैं मामा, तो वो खा के उसके बाद जाके जो गोश्त अपना हिस्सा है वो लेके आएंगे, फिर बांट देंगे। जिस जिसको गोश्त चाहिए यार कमेंट्स करे, गोश्त आपके घर तक पहुँच जाएगा। TCS का दफ्तर हमारे घर के पास है, तो कमेंट्स के से पहले पहले मेरे रेड सब्सक्राइब के बटन को मस्ट प्रेस कर दीजिएगा। जो सब्सक्राइब दबाएगा उसको किलो किलो गोश्त मेरी तरफ से फ्री, ठीक है? सब्सक्राइब करो, किलो गोश्त खिलाऊंगा, खिलाऊंगा क्या आपको, पार्सल कर दूंगा। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर नीचे कमेंट्स करिएगा, जिस जिसने सब्सक्राइब किया लाइक करना और कमेंट्स भी कर देना, और शेयर अगर हुआ तो शेयर भी कर देना। अल्लाह हाफिज़।